ऑथरिंग टूल नाम से ही क्लियर है, कुछ आप ऑथर हो और आप ऑथरिंग करो, चलो आपने अभी तक ऑथर सब सुना होगा, बुक के ऑथर है ना, और यहाँ पे आप ऑथर हो एक कोर्सवेयर के, कोर्सवेयर को और इजी लैंग्वेज समझते हैं, ई कंटेंट के, आपको ई कंटेंट क्रिएट करना है। अब ई कंटेंट क्या क्या हो सकता है, ई कंटेंट हो सकता हो ग्राफिक्स, आपको मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं इमेज के द्वारा, तो जो इमेजेज आती हैं ग्राफिक्स के अंदर आती है, आप कुछ टेक्स्ट डेवलप करना चाहते हो, आप कुछ वीडियो डेवलप करना चाहते हो, या फिर आप कॉम्बिनेशन कुछ टेक्स्ट इमेज के साथ, कुछ टेक्स्ट वीडियो के साथ है ना, तो ये मल्टीपल आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब क्या इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होगी? जी नहीं, आपको एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको इनेबल करेगा ई कंटेंट को डेवलप करने में, यही है ऑथरिंग टूल जो आपको इनेबल करते हैं। तो इसके लिए कुछ ऑथरिंग टूल इंडिपेंडेंट होंगे है ना, वो सब कुछ आप उसमें कर पाओगे, कुछ में कुछ फीचर्स होंगे, जैसे एक एग्जांपल है कैनवा, कैनवा इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, कैनवा में आप ग्राफिक्स के लिए बहुत सूटेबल है, आप मल्टीपल ग्राफिक्स बना सकते हो, वीडियो एडिट भी कर सकते हो, वीडियो में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है वीडियो के जो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए बात करें तो पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा टूल है, बंडर शेयर फिल्मोरा बहुत अच्छा टूल है ना, पर बंडर शेयर में वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं पर वहाँ ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं बना सकते हैं, तो ये आपको अलग अलग जाना पड़ रहा है। जैसे आप पावर पॉइंट में, वर्ड में, ई का डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल में, तो पर वहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते हो, तो हर एक में लिमिटेशन है। तो क्या कोई ऐसा भी है जहाँ सारे फीचर मिले? जी हाँ, तो वो जो जहाँ सारे फीचर मिलते हैं कि आप वहाँ पे क्विज भी कर सको, अच्छे से पैकेजिंग कर सको, वहाँ पे आप वीडियो भी डाल सको, उन लोगों को डिस्कशन करने के फोरम भी दे सको, उसको बोलते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, पूरी कंप्लीट पैकेज आप वहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, जैसे आर्टिकुलेट 360 है ना, ट्यूटर है, ओपन सोर्स में भी काफ़ी सारे हैं और प्रोप्राइटरी में भी हैं, प्रोप्राइटरी मतलब जो आपको पेड वर्जन आपको लेने पड़ते हैं है ना, उडमी पे आप कोर्स करते हैं वो भी एक अच्छा LMS का एग्जाम्पल है, कोर्सेरा है, तो आपने कोर्स वहाँ पे आप अपने कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने बताया आपको अपने कंटेंट, आपको अपना कोर्स का पता होना चाहिए कि मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे कोर्स का पेस क्या है, मैं शुरू में क्या चीज़ रखूँगा, उसके बाद मुझे क्या डिलीवर करना है, कब मुझे CFU मतलब चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछने हैं, कब मुझे कोर्स को क्लोज करना है, कब मुझे ई कंटेंट यूज करना है, कब मुझे ऑडियो यूज करना है, तो ये तो आपको पता होगा ना, बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी काम ये आपके LMS करेंगे या आपके ऑथरिंग टूल करेंगे। तो ऑथरिंग टूल वो पैकेज है जो आपकी टेंशन अब नहीं है, आप अपने फोकस कीजिए अपने कोर्स क्रिएट करने पे, कोर्स पर बनाने पे, और वो जो आपको नीड है वो ऑथरिंग टूल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स में ये डेफिनेशन मिल जाती है, पर इन ऑथरिंग टूल के बारे में थ्योरी में क्या आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये आपको अलग सीखना होगा, करके सीखते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप कुछ कोर्स बनाइए, डेवलप कीजिए ये कंटेंट वैरायटी, कुछ ग्राफिक्स, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो, और उनको आप मिक्स करना सीखें, मर्ज करना सीखें, जब करेंगे तो करते करते आएंगे। जैसे मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ और ये एक कोर्स डेवलप कर रहा हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आप यहाँ पर लर्निंग्स के ऊपर है ना डिफरेंट वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यूज कर रहा हूँ और वॉइस के लिए अच्छा यूज करता हूँ ओडासिटी, ओपन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वीडियो मेकिंग के लिए मैं यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर, फिर ये वहाँ पर आपको नीचे बस में लोगो आएगा है ना, और बंडर शेयर फिल्मोरा है, तो फिल्मोरा को आपको पेड वर्जन लेना होगा, और उसके साथ ही आपको ई कंटेंट पावर पॉइंट पर आप बना सकते हो, आजकल पावर पॉइंट वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो अल्टीग्रेट 360 है ये फ्री है, ये पर यूज करने के लिए आपको थोड़ा इस पर स्किल डेवलप करनी होगी। तो आज की वीडियो थी ऑथरिंग टूल के बारे में, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप साझा कीजिए, यह आपका अपना चैनल है, तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।